सत्यम शिवम सुंदरम, ये वो तीन शब्द हैं जिन्हें समझने की कोशिश आदमी सदियों से करता चला आ रहा। सच क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है? जिसने सुबह का सूरज देखा है उसके लिए सूरज का उगना सच है, और जिसने शाम देखी है उसका सच है सूरज का डूबना। शिव यानी श्रद्धा, प्यार, विश्वास, वो भी तो सबका अपना अपना अलग है। और सुंदर क्या होती है? सुंदरता कहां होती है? किसी चीज में होती है या कि देखने वाले के मन में? अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? पत्थर, यही ना? और अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? भगवान। लेकिन वास्तव में जो आपकी आंख देख रही है वो क्या है? पत्थर। तो फिर इसे भगवान किसने बनाया? आपकी श्रद्धा ने, आपके विश्वास ने, आपके प्यार ने, जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। ये वो तो नहीं श्याम सुंदर भजन वाले की बेटी? वही तो है रूपा। इतनी नन्ही सी थी जब मैंने देखा था, अब तो जवान हो गई है। ब्याह नहीं हुआ इसका? ब्याह और इसका? जितने लड़के वाले हैं ना गांव में, एक एक के दरवाजे पे माथा टेक चुका है पंडित। पर कौन ब्याह के ले जाएगा इस मनहूस को? घर फूंकना होगा तो वैसे ही आग नहीं लगा लेगा घर को? क्यों, ऐसी भी क्या बात है? शकल नहीं देखी अभागन की? तो ये है रूपा, मुंह जली बदसूरत। मुरली मनोहर के दरबार में सत्यम शिवम सुंदरम गाने वाली रूपा की अपनी जिंदगी का सत्य बड़ा ही कड़वा था, बड़ा ही अशुभ, बड़ा ही असुंदर। जिस दिन से पैदा हुई दो ही तो शब्द सुने हैं उसने, मनहूस और अभागन। जैसे ये दो शब्द भी उसी के साथ पैदा हुए हों। कल ही की तो बात है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात थी, रूपा का बाप पंडित इसी मंदिर में बैठा आरती गा रहा था और सोच रहा था, बुढ़ापे में ही सही
बहुत जल्द उसके घर भी ऐसा सुंदर सा कन्हैया जन्म लेगा। भक्तन पर जब जब तुमने देह धरी, वीर परी भक्तन पर जब जब तुमने देह धरी, पीर हरी दुखियन के तुमने विपदा दूर करी, वीर हरी दुखियन की तुमने विपदा दूर करी, पल चिन्ह प्राण पुकारे हुआ काशी बहन, लड़का हुआ ना, पंडिताइन कैसी है? क्या बताऊं भैया, एक सतमात सी बच्ची को जन्म देकर पंडिताइन भगवान को प्यारी हो गई। हम चलते हैं भैया, भगवान के जन्म का समय बीता जा रहा है। यूं पैदा हुई थी नसीबों जली कि जिसकी पहली सांस भी उसकी अपनी न थी, वो भी उसने अपनी माँ से छीनी थी। और क्या ही तो वक्त चुना था उसने दुनिया में आने का, जब दुनिया को जन्म देने वाला खुद जन्म ले रहा था।